क्वेश्चन लगाते हैं उधर से कि जी उनका गांधीनगर वाला, हाँ हाँ सर वो यहीं यहीं से, हाँ सर हाँ सर हाँ सर जाना चाहिए। तो जो SDM यहाँ बैठते हैं उनका एरिया यहाँ नहीं लगता? एरिया आपको सर दूसरा दूसरा गांधीनगर है, प्रीत बिहार है, SDM प्रीत बिहार भी यहाँ बैठते हैं, एरिया लक्ष्मी नगर है, निर्माण बिहार है, गांधीनगर के पास जो एरिया गांधीनगर का है वो नहीं है मेरे ख्याल से, आई थिंक वही ग्रीवांस है। वो बहुत सारा एरिया साधारण, पहले तो परिचय दो अपना सर। ADM पुनीत, ADM पुनीत पटेल सर, पुनीत पटेल। और SDM कौन है सर? आइए जी बताइए। तीन SDM हैं आप, राजीव त्यागी SDM मयूर बिहार। राजीव आपसे तो हुई है मुलाकात पहले? हाँ सर सर, मैं राजीव कुमार सर, SDM गांधीनगर। अच्छा हाँ, यहाँ तो दो तीन SDM होंगे। हाँ तीनों SDM, प्रीत बिहार, प्रीत बिहार, मयूर बिहार सर, मयूर बिहार और गांधीनगर। तो सब इसी कॉम्प्लेक्स में? इसी कॉम्प्लेक्स में सर, लेकिन चूंकि एरिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सर, एक्चुअली 5 किलोमीटर में पूरा जिला है, तो इसलिए। आप RCC के चेयरमैन हो? नहीं तो अपना अनिल, फिर पहले एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं ना। ठीक है सर, वेलकम रखा हुआ सर थोड़ा सा आपका। दो मिनट थोड़ा सा, एक मिनट आइए। हाँ आपने भी कहा आज ही वो मेरा पहला दिन है। हाँ बिल्कुल, हमारे ट्रांसफर में भी थे। हम भी सर DM साहब को वेलकम कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं वेलकम, मंत्री जी खुद आए हैं। आपके चरण पड़े सर, पहले नहीं नहीं बहुत बढ़िया, इट्स अ गुड कोइंसिडेंस। वी वेलकम यू सर, थैंक यू सर। अब ये हमारी तरफ से आपको थैंक यू सर। आप पुनीत वेलकम सर, बगर साहब को चेयरमैन है मिकल से, GP का वेलकम करते हैं। वेलकम सर। और चूंकि नवलिंदर साथ में है तो इनका भी वेलकम। नवलिंदर का वेलकम मैं कर रहा हूँ सर। सर आप तो गेस्ट हैं ना अभी, आप DM ईस्ट के गेस्ट हैं। तो हाँ एक बार फटाफट एक बार कर लेते हैं कि क्या फंक्शनिंग है, पब्लिक को कहाँ अटेंड करते हैं सर, है ना, बिल्कुल स्टार्ट से बताना सर। तो पब्लिक यहीं आती है? हाँ सर, ये पब्लिक बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है सर। टोकन सिस्टम है? हाँ सर, ये स्क्रीन लगा है। टोकन टोकन कहाँ से मिल लेते हैं सर? ये टोकन यहाँ पे विंडो से मिल जाते हैं, तो यहाँ से विंडो है यहाँ पे, वहाँ से टोकन रिलीज हो जाते हैं। ये सर हमारे SR हैं, किशन जी। क्या सुनना? किशन। टोकन कहाँ से देते हैं पब्लिक को जी सर? पब्लिक को टोकन कहाँ से देते हैं? टोकन तो वहाँ से टोकन है, एंट्री गेट पे, एंट्री गेट पे सबसे पहले टोकन मिलता है। पंखे बंद करा दो, टोकन मिलता है पहले, फिर हमारे 3 काउंटर हैं यहाँ पर, 3 काउंटर में से कोई काउंटर अलॉट हो जाता है। स्टार्ट कितने बजे करते हो ऑपरेशन? सुबह ऑफिस का टाइम क्या? ऑफिस का टाइम जो 9:30 से हो जाता है। 9:30 से। और टोकन किस टाइम देना स्टार्ट करते हैं? 10 बजे से टोकन। 10 बजे से जी। कितने लोग करते हैं अटेंड दिन में? टोकन कितने देते हैं आप? टोकन का हमारा स्लॉट एक फिक्स है कि 132 से ज़्यादा हम कर नहीं सकते। 132 उसमें स्लॉट मतलब फिक्स है। तो जो आते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं पहले? अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। और वहाँ से अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट जब लेके आ रहे हैं तो फिर उनको टोकन का क्या रिलेवेंस रहा सर? कोई टोकन अपॉइंटमेंट लेते हैं, कोई पहले का आता है कोई, और टोकन से ये हो जाता है कि जो पहले आया उसका यहाँ पे पहले बिल्ड हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में जितनी अपॉइंटमेंट हैं, कोई पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, उसको आप डील कर लेंगे? जी जी सर, वो सर
टाइमिंग इसमें है ना, स्लॉट पे चार टोकन इशू होते हैं और सबके काउंटर रहता है, उसका सब काउंटर जनरेट। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसी का टाइम 9:30 बजे है जी, तो फिर उसको टोकन क्यों दे रहे हो? टाइम तो 9:30 बजे है उसका, 9:30 बजे उनका टाइमिंग है ना सर, आधे घंटे। तो टोकन का क्या रिलेवेंस रहा ये पूछ रहा हूँ, 9:30 तो कुछ और भी टोकन है, टोकन अलग नहीं, 9:30 का बस एक ही टोकन होगा। ऑनलाइन जब उसने अपॉइंटमेंट लिया उसके ऊपर 9:30 लिखा है ना, तो वही समझना चाहते हैं कि वो जो 9:30 लिखा है फिर यहाँ पे आकर के आप दोबारा से टोकन देते हो उसको। टोकन से क्या है, टोकन का टोकन से काउंटर जनरेट होता है, एक जगह भीड़ इकट्ठा होने से तीन काउंटर बने हुए, तीनों पर किसी का टोकन जाएगा उस पर एंट्री होनी पड़ती है पेपर की प्रॉपर में, तीन का एक जगह भीड़ नहीं इकट्ठा हो इसलिए उसको टाइमली बांट देगा तीन काउंटर पर। तो जो टोकन है वो काउंटर का टोकन है? जी जी, वो काउंटर जनरेट होता है। अच्छा, एक दो तीन काउंटर हमारे पास है, तीनों काउंटर जनरेट होते हैं। तो वो तो जब आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तभी आप जनरेट कर दो सर, उसमें टोकन सर नहीं आया कई लोग सर टाइम पे नहीं थी आप पाते, लेकिन अपॉइंटमेंट उनका होता है तो नेक्स्ट को हम ले लेते हैं। वो तो जीपी जब अपॉइंटमेंट दे रहे हैं जी सर, आप तभी उनको बता दीजिए कौन से काउंटर पे जाना है। लेकिन सर कोई कोई जैसे 132 में हमारे पास 100 से ज़्यादा कभी नहीं आते हैं, 32 अपॉइंटमेंट हमेशा लैप्स रहती है। नमस्कार, तो आप क्या करते हैं जैसे सर जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं टोकन हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे हम टोकन डिस्प्ले करते हैं पब्लिक आती है, हम पेपर एंट्री करके आगे चले वो लगा नहीं। तो मतलब क्या क्या चीज़ की एंट्री करते हैं? जो भी डीड हमारे पास आती है, जैसे जितने डीड किसी को एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड कराना है तो वो आएंगे यहाँ पे। हाँ, सेल डीड का वो बाहर से टोकन लेकर आते हैं, हम लोग हमारे पास टोकन मैनेजमेंट सिस्टम से हम टोकन जनरेट करते हैं, जैसे ही टोकन आता है पब्लिक हमारे पास आती है, हम उनका पेपर हमारे डॉरिस में एंट्री करते हैं, उसके बाद पेपर डॉरिस में एंट्री करकर हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, फिर वो आगे प्रेजेंटेशन के लिए चले जाते हैं एसआर के पास। तो आप सिंपली एंट्री करते हैं? हाँ जी, सिंपली एंट्री करते हैं। जो भी उनका डीड होता है हम पूरी डीड उसकी फीड करते हैं, उसमें फर्स्ट पार्टी जो डिटेल्स वगैरह हैं सारी डिटेल्स, और उनकी ई रिसिप्ट आती है, ऐसी ये ई रिसिप्ट होती है जो भी वो पे करते हैं, ये इसकी भी एंट्री होती है, प्लस जो म्यूटेशन का आजकल नया ऐड हुआ है हम उसकी भी एंट्री करते हैं, म्यूटेशन, बिजली का बिल, हाउस टैक्स की स्लिप और वाटर बिल और गैस की स्लिप, सारा कुछ इसमें रहता है, तो वो सारा जो जो वो करवाना चाहते हैं सारे वो देते हैं डॉक्यूमेंट्स। फोटोग्राफ तो बाद में, तो मतलब सिंपली एंट्री आप करके और फिर फॉरवर्ड कर देते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आप भी वही चीज़ करते हैं। तो दिन में कितने लोग आ जाते हैं लगभग? सर अब डिपेंड करता है, एक डीड में कम से कम 4 लोग तो आते ही है, बिल डीड होती है तो 3 होते हैं, किसी में रिंग्लिशमेंट डीड होती है तो उसमें 10-10, 15-15 लोग भी होते हैं, तो पर डीड हर किसी का अपना अलग हो रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने आ जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली अगर सर अगर 100 टोकन गए हैं तो 1 टोकन इज इक्वल टू 4, तो 400 लोग डेली का है। एसी वगैरह में जैसे फंक्शन नहीं है प्रॉपर? एक्चुअली सर एसी और लगाना, हाँ थोड़ा सा हॉल बड़ा है ये तो और लगाइए। नहीं नहीं सर, फैन पराठा फैन ये आपके इसमें कम से कम 2 फैन के 3 एसी कम से कम होने चाहिए। सर एक फाइल भेजी हुई है हमने, 14 एसी मंगाए हुए सर, अगर अप्रूवल हो जाएगा तो। और ये मक्खियाँ भी बहुत हैं, इसको कंट्रोल कीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है यहाँ से? नेक्स्ट क्या है यहाँ से? सर ऑफिस है, जैसे वहाँ से हो गया उसके बाद जैसे पब्लिक आती है सर तो यहाँ पे एंट्री करती है, उन्होंने एंट्री कर दिया उसके बाद एंट्री होने के बाद सर प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं, हाँ हमारे पास आ जाते हैं, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, विटनेस वगैरह का, सबके आईडी वगैरह, ओरिजिनल वगैरह, वो सारे चेक ही होते हैं, वो ही है आपके सामने ही होते हैं जी। उसके बाद फोटो पे यहाँ नेक्स्ट रूम में आ जाते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी फोटो। नमस्कार नमस्कार, तो आप लोग क्या करते हैं जैसे वहाँ से एप्लीकेंट आए प्रेजेंटेशन हो गया, जब पेपर क्लियर हो जाता है तो फोटोग्राफ यहीं होते हैं, तो फोटोग्राफ किस चीज़ से करते हैं? अच्छा, वो उसको लगा लगा के कर लेते हैं।
मतलब फिक्स नहीं है कैमरा या कुछ? नहीं सर, इसी से कैमरे से हमारा काम होता है। अभी वो ऐसे करके आज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसमें हम कैमरा निकाल लिया। हां जी, प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना सर। हां हां, तो फोटोग्राफ के बाद और जो सील लीड हो जाती हैं वो कब देते हैं एप्लीकेंट को? सर, जब फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, ये सब कुछ हो जाता है फोटोग्राफ्स वगैरह, तब स्टैंपिंग वगैरह लगाने के बाद आफ्टर मतलब 1 या 2 डेज में उनके पास कैश रिसिप्ट होनी चाहिए लेने के लिए, तो हम डिलीवरी डॉक्यूमेंट वहाँ से उसको दे देते हैं। लोग ऑन एवरेज 2 दिन के बाद? सर 2 दिन या सर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे सेम डे चाहे उनको मिल जाती है, नेक्स्ट डे से प्रॉपर्ली मिल जाती है, सेम डे वेट करता उसका। उसके बाद का स्कैनिंग का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट स्कैन। डॉक्यूमेंट स्कैन कौन सी? यही डॉक्यूमेंट? जी जी, इसकी दो कॉपी होती है, एक ओरिजिनल कॉपी एप्लीकेंट को देते हैं और उसको कॉपी हमारे पास। ये पार्टी को चली जाएगी, स्टैंपिंग होने के बाद ये डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाती है। कल कल कितनी सेल लीड हुई जैसे? कल कितने डॉक्यूमेंट हुए जैसे? जैसे कल 77 ही हुए सर? जी, टोटल कल 77 आए थे। तो 77 तो कम है काफ़ी। स्लॉट कितना को दिया था कल? 77 नहीं, 77 तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए ना, टोकन कितने को दिया कल? टोटल 77 डॉक्यूमेंट आया था। टोटल टोकन 77 इशू हुए थे। आना कितने लोगों को था? 132 को आना था लेकिन वो आया नहीं। अच्छा, 77 आए जी, तो 77 डॉक्यूमेंट बने जी कल के डेट में। कल के डेट में कितने दे दिए कल अभी तक? कल की सर एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, बाकी सारे चले, बाकी सारे चले गए, सारे रिग्लाइड मतलब विंडो कम के डिलीवरी के लिए पेंडिंग क्यों? वो उसमें कुछ काम ही होगा सर, कुछ डिस्प्यूट कोर्ट केस या कुछ भी होगा। तो फिर तो एग्जीक्यूटिव क्यों किया फिर अगर डिस्प्यूट है? तो उसे बाद में चेक होता है, वो तो प्रोसेस बाद का डिस्प्यूट चेक करने का, पहले तो होता नहीं। जैसे भैया आपने सारा करा लिया जी, फिर आप बता रहे हो अब नहीं देंगे क्योंकि डिस्प्यूट है, वो तो पहले ही पता था आपको डिस्प्यूट है सर। क्यों? फोटोग्राफी के बाद सर, एक्चुअली भीड़ ज़्यादा रहती है तो पहले नहीं। नहीं नहीं, ये ऐसे मत कीजिए, अगर किसी का डिस्प्यूट है तो उसको पहले ही मना कर दीजिए। क्यों उसको सारा फॉर्मेलिटी आप प्रोसेस के थ्रू करोगे और फिर कहोगे डिस्प्यूट है? आपको आपको कैसे पता चला डिस्प्यूट है? सर वो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ, उसमें सर जो पार्टी मतलब किसी को एंट्री होती है हम एंट्री करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो आपको पता है ना फिर मतलब कि लेकिन पार्टी तो मुझे एग्जिस्ट करती है सर, नहीं हमारा करो आप बाद में रिफ्यूज करना, जो भी करना पार्टी डिसीजन लेना, पार्टी उसमें लड़ने लगती है सर। पार्टी के साथ थोड़ी चलोगे आप भाई, अगर डिस्प्यूट है वो तो आपको पता है तो क्यों वो डॉक्यूमेंट बना रहे हो अगर डिस्प्यूट है तो? सर डिस्प्यूट की कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे किसी ने कंप्लेंट वगैरह लगा दी उसमें हमारे को से डिफॉर्म की सीधी डायरेक्शन है कि जब तक कि कोई कोर्ट केस या स्टे ऑर्डर ना हो उस प्रॉपर्टी में तब तक आप डॉक्यूमेंट्स किसी का रोक नहीं सकते। इसको तो मतलब उसको हम एक मेमो देंगे, 3 दिन का टाइम देंगे, अगर तुम्हारे पास कोई कोर्ट केस है सब ज्यूडिस है मैटर या स्टे ऑर्डर है तो वो ले आए, नहीं तो हम लोग कर देते हैं रजिस्टर। कल के पहले के लिए कोई डॉक्यूमेंट है पेटी? कल के पहले नहीं सर, हाँ 1 तारीख से 4 डॉक्यूमेंट है। वो किस वजह से? उसमें भी सर सेम
प्रॉब्लम होगा इस तरह का, वो डेफिशिएंसी में होगा, डेफिशिएंसी में होगा क्या समझते हैं, अगर उसमें वो क्लियरेंस 3-4 दिन के बाद क्लियर हो जाता है। पर वही चीज़ तो आप पहले भी तो पूछ सकते हो उससे भाई, उसको पूरा प्रोसेस आपने करा लिया सर, उसमें ये बोलते हैं हम स्टे ऑर्डर ले आएंगे, हमारा प्रेजेंट कर लो, हम ये कर लो, तो फिर हमारे लिए और मुश्किल बढ़ जाएगी अगर हम रजिस्टर कर देते हैं वो स्टे ऑर्डर ला रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ मत कीजिए ना जी, तो प्रेजेंटेशन की स्टेज पे कह रहे हो, प्रेजेंटेशन की स्टेज पे भाई कोई कोई चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, या सपोज कोई कंप्लेंट है, या आपके सॉफ्टवेयर में जो एक ऑप्शन है ना एंट्री करने का जी, जी। कि भाई इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट ना किया जाए जी, आप उसको पहले ही जो करना है पहले कर लीजिए, एक बार वो रिव्यू कर लेते हैं, उसको रिव्यू कर लीजिए, डेवकॉम ने तो ये कहा हुआ ना कि जब तक किसी कोर्ट का स्टे नहीं है तो आप प्लीज गो अहेड, ये होगा ना, तो जो प्रोसेस आप एंड में कर रहे हैं उसको पहले कर लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके सामने प्रेजेंट हो गए, सब कुछ हो गया है ना, अंगूठे लग गए, फोटो खिंच गई, फिर आप उसको रोक लेते हैं, यही कह रहे हैं ना जी। डेफिशिएंसी तो क्या डेफिशिएंसी थोड़ी है, उसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी अगर वो कहता है कि इसमें डिस्प्यूट लगाने वाला बोलता है कि मैं उसको रजिस्टर्ड बंद करो मैं डॉक्यूमेंट लाऊंगा, या फिर वो कराने वाला बोलता है कि इसमें मेरे उसमें डिस्प्यूट नहीं है। आप जो यही चीज़ अब कर रहे हैं उसको पहले कर लीजिए। ठीक है सर, हमारे पास जब डिस्प्यूट लगाते हैं हम उसी टाइम लेटर भेज दिया करेंगे, लेटर भेज दें, क्योंकि वो तो महीने पहले भी लगा देते हैं किसी प्रॉपर्टी का, किसी का भी लगा देते हैं, किसी का भी हुआ जी सर, उसने इन सब में एनओसी भी आया होगा सर, दिल्ली यहाँ के ऑर्गेनाइज ले जाते हैं, एनओसी की जरूरत नहीं है इस दिल्ली में, नहीं उसके एनओसी तो, लेकिन एक्विशन की तो एनओसी आई होगी, आई होगी ना, तो उस टाइम भी आपको पता है कि डिस्प्यूट है, नहीं जिसमें डिस्प्यूट एनओसी आया तो उसका तो हम लेटर भेजेंगे सर, उसका देखेंगे, तो फिर और कौन सा डिस्प्यूट है, अब जैसे दो भाइयों का भी डिस्प्यूट हो गया सर, और एक बोलता पर्सनल डिस्प्यूट, उस टाइम भी डिस्प्यूट है सर, कोर्ट केस वाले डिस्प्यूट नहीं सर, पर्सनल डिस्प्यूट जैसे, कोर्ट केस नहीं मैं कह रहा हूँ जो भी, तो वो तो डिस्प्यूट आपके सिस्टम में तो एंट्री नहीं है उसकी डिस्प्यूट, सभी की एंट्री है सर, उसमें उससे में चेक करते हैं डिस्प्यूट है तो उसमें चेक करते हैं, डिस्प्यूट कैसे पता चलता है सर, सभी एप्लीकेशन देके गया होगा, एप्लीकेशन देके जाते हैं, एप्लीकेशन आप फिजिकल रखते हो, हां फिजिकल रखते हैं, कैसे उसका मेंटेन, फिजिकल में तो फिर आप कहीं ना रहता है कि इसका पर्टिकुलर आया हुआ है, कंप्यूटर में फीड कर देते हैं सर, वो फॉरएवर फीड हो जाता है, यही तो मैं कह रहा हूँ जी सर, आपके कंप्यूटर में आ गया ना वो, आ गया भाई, एक सपोज प्रॉपर्टी है जी सर, और उसका मालिक राम है, श्याम ने कहा जी ये इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसका मालिक मैं हूँ या मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, तो जब भी इसकी सेल लीड हो इसको सेल को ना किया जाए, यही कहते होंगे ना, यही कहते होंगे, तो लेकिन सर वो तो फिर आपके सिस्टम में एंट्री आप कहीं ना कहीं एंट्री करते होंगे ना, कर लेते हैं, लेकिन सर वो सिंपल कागज पे एक लिख कर दिया हुआ है, उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, इस बेस पे सिर्फ रोक लेना, तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं उसको, जो कंप्लेंट लाइन छुपाया कि अगर 3 दिन के अंदर वो कोर्ट केस का स्टे वगैरह लाता है तो ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स को नहीं करेंगे, नहीं तो रजिस्टर्ड कर देंगे, और एक सर्कुलर भी निकला हुआ है डिफॉर्म का, उसमें डायरेक्शन है इस तरीके की, उनको इसको रिव्यू कर लेते हैं सर, इसको रिव्यू कर लीजिए एक बार, क्योंकि रोक तो अल्टीमेटली लिया ना आपने, वहाँ नहीं रोकी, यहाँ रोक लिया, रोक लिया, सारा प्रोसेस करा के रोक रहे हो, पहले ही रोक लो, फिर रोकना है, फर्स्ट लेवल पे एंट्री होती है, वहाँ पे सब एंट्री होती है, लोगों के नाम प्रॉपर्टी डिटेल्स तो वहीं पे हो जाना चाहिए, इसको रिव्यू कर लेना है, ठीक है, ठीक है, और कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे जो पब्लिक आपको भी कहती होगी आके भी इसको ऐसे कर लें या इससे और अच्छा हो जाएगा, कुछ है फीडबैक, कितने टाइम से काम कर रहे हो आप, 4 साल हो गए हैं, वहाँ पे क्या होता है उस टेबल पे सर, जो ऑफिस कॉपी जो स्कैन होती है सर, रिपोर्ट में आती है सर, तो रिपोर्ट में पेस्ट होती है सर, रिपोर्ट सेल रीड जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गए उसका क्या वो है, कहाँ रहेंगे, मेरे ख्याल से एसआर के पास तो नहीं होते, रिकॉर्ड रूम में जाते हैं, उसमें वॉल्यूम में पेस्ट हो जाते हैं,
नहीं जो डॉक्यूमेंट आज एग्जीक्यूट हुए सर वो बाहर हमारा डिलीवरी काउंटर वहाँ पर है, बाहर से फ्लिपकार्ट डिलीवरी। आपका मतलब? मतलब सर एसआर ऑफिस का। जी जी जी, इसको चेक करना सर। आई डोंट थिंक डॉक्यूमेंट जो हो गया, एक बार जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया वो तो या तो जो सर दो कॉपी होती है ना सर, एक तो डिलीवर हो गई और दूसरी जो ऑफिस कॉपी है वो रिकॉर्ड। ऑफिस कॉपी की नहीं पूछ रहा हूँ जी सर, या तो पार्टी को वो डॉक्यूमेंट मिल गया जी, नहीं मिल गया तो दैट शुड नॉट रिमेन नियर ऑफिस। एसआर ऑफिस में क्या काम है उस डॉक्यूमेंट का? एसआर ऑफिस में रखे हैं क्या डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हुआ? किसी ने सेलियड कराई जी सर, सेम डे कुछ लोग ले गए ठीक है सर, सपोज सेम डे नहीं लेके गए तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ रहते हैं सर? उसका वही बता रहा, डिलीवरी काउंटर बताऊंगा पब्लिक, जिसे हम अभी आप फोटो करने के बाद एक स्लिप इशू करते हैं सर, उस स्लिप लोग को लेके आते हैं और पेपर लेने के लिए ओरिजिनल स्लिप, वो हमारा डिलीवरी काउंटर में सारे डॉक्यूमेंट रखे होते हैं वहीं से वहीं ले जाते जी, वहीं से बाहर ले जाएगा, अंदर नहीं आएगा, काउंटर से ले आते। तो पिछले 10 दिन के कितने डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो नहीं लेके गए होंगे? सिस्टम में है कुछ? नहीं सर वो है। जी। पर उसका भी तो फिर कहीं ना कहीं होना चाहिए कनेक्ट, होना चाहिए सर कि कितने दिन तक हम रखें उसको अगर कोई नहीं लेके गया है तो कितने दिन तक रखते हैं? सबसे पुराना कितने दिन का होगा? दो तीन दिन का पुराना हो सकता है, उससे पुराना नहीं हो गया तो लोग ले जाएंगे। नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद भी काफ़ी बार डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। नहीं वो एक अलग वैसे कह रहा हूँ, रखना मतलब पार्टी तो नहीं रखी कितने पुराने हैं इसमें? सबसे पुराना कितना? कल के ज़्यादा है सर, बाकी कम है। नहीं सबसे पुराना इसमें कल का तो आपने बताया ना कि कमी रहे हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट कल के तो हो नहीं सकते। ये 2 तारीख है कल के सारे डॉक्यूमेंट डिलीवरी के लिए हैं, अभी मतलब कोई पार्टी आई नहीं लेने के लिए, ये रजिस्टर्ड हो गया मतलब। ये सर इसमें पुराने भी है, जैसे वसीयत 24 तारीख का है, मिक्स है सर सारे, पुराने भी है सारे। ये हो चुके हैं क्या? ये सारे हो गए सर, 24 से लेके आज तो बहुत दिन हो गए हैं, कोई पार्टी नहीं है। जिसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है वो तो चाहता है कि मुझे फटाफट मिल जाए कॉपी। जैसे 31/5 का अगर भी नहीं है, 26/5 का भी नहीं है, 19/5 का नहीं है, जब तक नहीं ले जाएंगे सर तो वहीं पड़ा रहेगा। ये वसीयत है सर, इस तरह रेंट एग्रीमेंट वाले सारे पेपर पड़े हुए सर, पुराने भी हैं, दो के मोस्टली है सर इसमें। लेकिन डिलीवरी जो करते हैं वहीं वो तो जी जी वहाँ एक अलमीरा रखा हुआ है, मोस्टली दो के हैं। सिस्टम होना चाहिए एक, उसके भरोसे आप है ना डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हैं, इसका कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। 30/5 का ट्रस्ट है सर, ये देखो ना 30/5 का ट्रस्ट डीड है सर। जब लेने आता है तो क्या डॉक्यूमेंट उससे देखते हैं? वो सर स्लिप देते हैं ना ओरिजिनल, उनको स्लिप वो वापस उस स्लिप लेके आता है। ये वाला पॉइंट पे जमीन सर कर लेते हैं। दो पॉइंट बताए सर, एक तो कि वो जब वापस करते हैं यहाँ पे सारे तीनों एसडीएम एडीएम जी सर, पब्लिक तो आती है काफ़ी। हाँ सर पब्लिक डीलिंग तो है, एस डी एम का ऑफिस पब्लिक डीलिंग तो होती है। तीनों पे तीन एस डी एम हो गए, तीन एस डी एम सर, एक ए डी एम हो गया सर और डी एम हो गया जी सर, और दो एस आर हो गए जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक एस डी एम मयूर गया। अच्छा इधर चैम्बर है सर, चैम्बर है, एस डी एम का ओके। ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी प्रपोजल चल रहा है कि? हाँ चल रहा है सर, चल रहा है। कहाँ है वो? ये कहाँ मेरा लैंड का हम पता कर सोनी का बता रहे थे, करा लो फटाफट। हाँ करवा दे सर, ये तहसीलदार है। अच्छा
यहाँ क्या होता है बताया सर, सर्टिफिकेट्स का होता है सर, ओबीसी एसटीएससी और इनकम सर्टिफिकेट्स, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, तो सर यहाँ से हमारी बंदे स्टार्ट हो जाती है मेजर गारंटी के लिए। यहाँ पे टोकन सिस्टम है, हाँ सर टोकन सिस्टम है। एक्चुअली सर अभी आंधी आई थी तो वायर की वजह से हमारा टोकन सिस्टम थोड़ा फेल हो गया 3 दिन से, उसको हम अभी रूप करवा सकते हैं। एसी यहाँ भी काम नहीं कर रहे सर, यहाँ के लिए सर पहले सेंट्रलाइज था सर, वो ख़राब हो गया है, तो जो 14 एसीज़ के हमने फाइल चलाई हुई वो इसलिए सर ये चीज़ तो पहले ही शुरू करनी होती है ना। कब से ख़राब है सर? 2 महीने पहले ही देखिए भाई, गर्मी आपको पता है आने वाली है, ये तो 6 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है चीज़ें, मतलब क्या फ़ायदा है? सेंट्रलाइज एसी है, काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले से ही अगर आप फॉलोअप करेंगे तो हो जाती चीज़ें, तो ऐसा नहीं है नहीं होती। क्या प्रॉब्लम है इसमें सेंट्रलाइज एसी में? सर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं सर, ये उन्होंने बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता PWD वाला, इसलिए फिर हम अलग से एसबेट एसी के लिए फाइल चलाने चाहिए। ठीक नहीं हो सकता, इसके अंदर से वायरिंग पूरी ख़राब है सर, बहुत पुराना है सर, वायरिंग तो चेंज जाती है उसमें, तो सर उन्होंने तो मना ही कर दिया कि ये ठीक नहीं होता PWD। तो उसका प्लांट वगैरह कहाँ लगा हुआ है? सेंट्रलाइज्ड है सर ऊपर, ये बिल्डिंग सर एक्चुअली PWD DC IDC ने बनाई हुई थी सर, तो उसके बाद ये हैंड ओवर PWD के लिए, तो सर ऊपर है इसका सिस्टम का इसी SR ऑफिस है सर जो गीता कॉलोनी, उसके ऊपर एक और फ्लोर है पूरा एग्जामिन करते हैं ना, ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं एसी सिस्टम, गर्मी निकल जाने के बाद एसी आने का फ़ायदा नहीं है। हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, PWD वाले को बुला लीजिएगा सर और उनसे बाकायदा एक्चुअल में ले लीजिए और उसकी मिनट्स का बनवा के भिजवाना, होगा तो हम फिर फॉलोअप मीटिंग अपने यहाँ कर लेंगे। यहाँ पर ये SDM क्या होता है यहाँ पर? दसियतर वाला सर, आप ला सकते दसियतर क्या होता है? डोर स्टेप वाला है। हाँ हाँ, तो इसमें एक तो ये सिस्टम ख़त्म कीजिए, ये सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब टेबल हो सामने फेस लेवल पे तो हो, बाकी करना बड़ा मुश्किल है। आई डोंट नो इसका लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये होगा कि यहाँ से पेपर के लिए है बट बात करने का इसमें स्कोप नहीं छोड़ा। हाँ तो दो पोर्शन जोड़ सकते हैं ना। ठीक है सर, डोर स्टेप का क्या बता रहे थे आप, क्या है यहाँ पे? डोर स्टेप जो कॉल आती है उसके कनेक्शन करते हैं सर। ये है सर अंदर सर। हाँ बस हरी मोहन। अच्छा सर, तो यहाँ पे क्या करते हो आप? सर मेरे पास यहाँ कॉल आती है ये वाली दक्षेत्र जो अपलोड होती है, हाँ तो इसका कन्फर्मेशन कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया आपके पास? ये मोबाइल से आया करता है, मोबाइल से लेके आते हैं, लेके आते हैं मुझे। अच्छा है। आप ही है कोई मोबाइल से यहाँ पे? यहाँ पे शायद मोबाइल आता है, मोबाइल से है कोई यहाँ पे? कोई मोबाइल से है? मोबाइल से है कोई यहाँ पे अभी है? मोबाइल से है। अच्छा चलो ये डॉक्यूमेंट लेके आया। जी सर, ये डॉक्यूमेंट जैसे सतीश कुमार का है जी सर, किस चीज़ के लिए है? सर SC का। हाँ SC का, SC सर्टिफिकेट बन रहा है। कौन है मोबाइल से? आप है मोबाइल से? क्या नाम आपका? बिल्डिंग असिस्टेंट। नहीं मोबाइल से कौन है? होगा ये किस चीज़ के लिए है, क्या बनाना है? SC सर्टिफिकेट बनाना है। अच्छा ये उसका एफिडेविट है जैसा। ये कब आया? 6/5 को आया है। तो 6/5 को आया तो अभी तक क्या क्यों सर? जो पुराने जो डीए थे उनका ट्रांसफर, मेरे सर ज्वाइनिंग हुई है 5 तारीख को ज्वाइनिंग हुई है और 18 तारीख को मेरा वो ID बनी है। ये आपके पास 6/5 को आ गया ना? 6/5 को उसने वहाँ से उठाया है मोबाइल से, ने मोबाइल से ने वो तो सेम डे दे दिया होगा जी सर मेरे पास। तो आपके पास कब आया है उसकी एंट्री? है उसकी सर एंट्री नहीं होती है, मतलब वो कहाँ है सर? ये भी ना चेक कीजिएगा, जैसे ये मोबाइल से का है अभी 6/5 का है, ऐसे सर्टिफिकेट बनना है तो 1 महीना तो हो गया। 1 महीना हो गया। तो अब ये मैंने पूछा इनसे कि ये डॉक्यूमेंट इनके पास कब आया?
मोबाइल से देखे गया, कह रहे जी कोई एंट्री नहीं है। तो सीरियस बात है, ठीक है सर। और आपका टाइम टाइम पीरियड कितना है बनाने का एस सी सर्टिफिकेट? कितने दिन में देना होगा? 14 डेज। एक महीना तो ऑलरेडी हो गया सर। वो ड्रीम लोग हमारी नेट ज्वाइनिंग हुई है 5 तारीख को, वो बुलाएं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो ये निकाल लो, मास निकाल लो, कोई नहीं देख रहा। सर वो डीए ट्रांसफर हुए थे एआर से, तो इस लड़के ने अभी ज्वाइन किया है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑफिस थोड़ी बंद हो जाएगा, सिस्टम तो प्लेस में होना चाहिए। नहीं अगर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर चला गया मतलब काम बंद हो जाएगा सर। तो सपोज अगर ये 2 महीने ना आए तो एक ही बंदा सब पोस्ट होता है वहाँ से, वो करना पड़ेगा सर। 14 दिन का मतलब 14 दिन होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। ये एसएलएस भी तो होगा ना, 14 डेज में देना है तो एक महीना तो ऑलरेडी हो गया। एक महीना तो हो गया ऑलरेडी, कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी रिव्यू नहीं कर रहा है। ये इशू करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तहसीलदार। आप हैं तहसीलदार? जी सर। क्या कर रहे हैं? 14 दिन का है ना, तो एक महीने तक हमने अटेंडेड पड़ी रही है, तो इसके बाद आए नहीं। ये सारे ही ऐसे हैं, ये तो 24/7 का है। भाई ये एक्शन हो जाएगा आपके अगेंस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर। आप जवाब देते दे नहीं पाओगे जवाब कुछ भी। इनकी कंप्यूटर एंट्री हो गई या नहीं हुई? इनकी कंप्यूटर एंट्री हुई है। कब हुई है? अपलोड हुई है, ये 5 मिनट अपलोड कर दिया है ना, ये डेट होती है अपलोड करने की। अरे भाई उनको क्या कह रहे हो आप, आपको रिव्यू करना चाहिए ना, वो जो कहेगा आप तो मान लोगे उस चीज़ को। भाई आप भी इस तरह रिव्यू नहीं कर रहे बिल्कुल भी, कहाँ रिव्यू कर रहे हो? 14 दिन के अंदर उनको बोलो बात ना करेंगे। 14 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बनने हैं तो 1.5 महीने से कहीं पड़े हैं, क्या रिव्यू किया आपने? तो आप जो भी चीज़ें हैं तहसीलदार क्या कर रहे हैं रिव्यू तो करोगे? और ये जो डॉक्यूमेंट मोबाइल से कब देखे जाते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज तो पता ही नहीं। ये जो डेट है ये किस चीज़ की डेट है? जी सर अप्लाई जिसने किया है। किसने अप्लाई किया है? मोबाइल से आएगा ना, तो ये तो उसने भरा है ना डेट। जी जी उसने। आपके पास कब आया मोबाइल सेक? आपके पास कब छोड़ के गया? नहीं पता सर, मेरी उसके पहले गया, जो मैं ज्वाइनिंग के बाद पहले गई है। पता ही नहीं। ये बताओ। अरे बताओ सर, बताइए ये जो डेट है ये क्या चीज़ की डेट है? ये एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेशन जिस डेट को उसने साइन किया, मोबाइल सहायक ने जिस दिन एप्लीकेंट से लिया, हाँ ये सर, और ला कर कब दिया, ये कितनी तारीख है इसमें पड़ी हुई, ये कब दिया ला के? अरे इसमें डेट बताओ ना कितना है। 1/5 दिया। कब होगा इसको? इन हाउ मेनी डेज ही सपोज टू डिलीवर? कितने दिन में उसको देना होता है मोबाइल साइट पे ला के? इनको तो पता ही नहीं। 1-2 दिन में दे देते हैं सर लगभग। 1 महीना हो गया ना, तो आपके यहाँ वो डॉक्यूमेंट कब देखे गया है? तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, वो रिकॉर्ड तो होना चाहिए। मोबाइल साइट ने आपको कब दिया सर? पर ये तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है क्या? ऑनलाइन सर इसकी एंट्री, मोबाइल साइट की एंट्री ऑनलाइन करता है सर इसकी। नहीं तो ये लिखी, ये एंट्री सर हो रखी है इसकी, सबकी एंट्री है। कितनी तारीख की है ये क्या नंबर है? ये एप्लीकेशन नंबर है सर, इसकी एंट्री हो रखी है। नहीं नहीं एंट्री तो हो रखी है, मैं पूछ रहा हूँ आपके यहाँ ये डॉक्यूमेंट कब आया ऑफिस में? एंट्री कब हुई करना पड़ेगा। मोबाइल सहायक अगर लेके चला जाता घर, इसको देता ही नहीं, फिर हमारे पास कोई ट्रैकिंग का सिस्टम है? ट्रैकिंग सर उसमें दिखता रहता है जो सिस्टम है सर, उसको हमने नहीं देखा है। इसका मतलब ना 1 तारीख को उसने भरा, 1 मई का, आज 3 नहीं सर ऑनलाइन ये अप्लाई हो चुका है। ऐसा खोल लो ये जो डॉक्यूमेंट है, खोलिए मैं खोल लेते हैं, कोई बात नहीं खोलो, ये दे दो, ये खोलिए।
बताओ यहाँ कब आया ये बताओ ना देख के। सर अगर 1-5 को दिया है तो सात जुलाई अरे अगर नहीं रिकॉर्ड देख के बताइए समझ गए 1-5 को दिया है 1-5 को फिजिकली आ गया ये लिखा तो है सबमिटेड टू डीलिंग असिस्टेंट 1-5 को ये लिखा है ना 1-5 आपके पास आ गया ना ये आ गया आपके पास 1-5 को तो 1-5 के बाद क्या क्या इसका बनाया क्यों नहीं आपका क्या नाम है विनोद कुमार है विनोद कुमार विनोद इसको पूरा प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए आप तहसीलदार हैं जी सर है ना और SDM साहब आपको भी पता होना चाहिए नहीं तो दिक्कत है फिर बता रहा हूँ आपको पता ही नहीं है कुछ भी क्या हो रहा है ऑफिस में इसका मतलब तो आप सिर्फ यही चीज़ देख रहे हैं बस जी सर आप लोग को तो इसका मतलब आप लोग तुले हुए हैं डोर स्टेप को फिल करना है नहीं सर और क्या है भाई इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट मोबाइल साइट लेके आएगा उसको करना ही नहीं है और मैं इंश्योर कर दूंगा आपका ताला लगा दूंगा यहाँ बता रहा हूँ आपको आपके ऑफिस में ताला लग जाएगा ये आप कान खोल के सुन लीजिए बिल्कुल कि आपके पूरे SR ऑफिस को पूरे SDM ऑफिस को ताला लग जाएगा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि ADM बैठेगा AC रूम में आप लोगों के रूम के AC निकाल दें नहीं सर सर इसलिए जैसे मैं आया नहीं मुझे नहीं सुनना कुछ भी आप लोगों के रूम के AC निकाल दें मतलब आपके तो AC चलेंगे बढ़िया पब्लिक जो है यहाँ गर्मी में खड़ी होगी आप कब से हैं ADM सर मैं 1 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन कर रहा था सर 1 अक्टूबर मतलब कि हो गए 9 महीने और SDM कौन है यहाँ के यहाँ के इसके SDM कौन है यहाँ पे 3 SDM का अरे भाई तो तीनों है ना SDM कौन है आप हैं SDM कितने टाइम से हो यहाँ पे लगभग 3 साल से AC क्यों नहीं चल रहे जो भी देख रहे हैं तो आपने फॉलोअप किया किसी के साथ दिखाओ कितनी चिट्ठी लिखी आपने ये इनके AC निकलवा के यहाँ लगवा दीजिए उनके रूम्स के साथ सारे AC निकाल के यहाँ लगा दीजिए ठीक है मैं देखता हूँ फिर कितना फॉलोअप हो तो डेली मीटिंग करोगे तो DM के यहाँ धरना दे दोगे आप लेकिन पब्लिक जहाँ खड़ी है कितने लोग आते हैं दिल्ली में कई 100 लोग आते होंगे तो 3 साल से हो आप SDM कैटरिंग आप देखते हो आप कितने टाइम से हो नहीं क्या टेकअप किया हुआ है HT लिख दी होगी कभी गए थे आए भी हैं नहीं नहीं तो फिर क्या हुआ कुछ रिपेयर नहीं हो पाया GP अगली बार कोई फाइनेंस की फाइल आएगी ना तो मेरे पास मत लेके आना था मेरे पास मत लेके आना कि जी उस SDM को ये परेशानी हो रही है उस DM को ये परेशानी हो रही है इसको करवाते हैं सर एस ओन एस यूनिक ये DMB 3 SDM हाँ इट्स लाइक इंटीग्रेटेड माइक्रोचिप पूरा सेंट्रलाइज कर दिया सारा हाँ आइए दो हाँ मंदन बताओ कुछ जी सर बताए आप SR हैं जी सर क्या शुभ नाम गुरिंदर सर गुरिंदर बताइए क्या कुछ प्रोसेस है यहाँ पे बता दें तो पब्लिक आती है सुबह यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेके आती है काउंटर से टोकन लेती है आधे घंटे का पीरियड होता है उसके बाद टोकन लेके अंदर आ जाते हैं ये हमारे काउंटर चलते रहते हैं टोकन डिस्प्ले होता है जिसका नंबर आता है वो आके अपने डॉक्यूमेंट फिल करवा देते हैं फिल कराने के बाद यहाँ पे हमें प्रश्न किए जाते हैं फिर हमारे पास हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करके IDs चेक करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं फोटो के फोटो हो जाता है सर लेकिन कितना टाइम लगता है सुबह जो 9:30 बजे बंदा यहाँ पे रिपोर्ट कर गया जो पार्टी आ गई तो
हाँ बायोमेट्रिक कर सकते हैं सर और प्रिंट उसमें से तो ऑलरेडी चल रहा है काफ़ी जगह। हाँ कर सकते हैं सर मेरे घर बायोमेट्रिक का सभी का एक साथ होगा। हाँ उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जहाँ पे इंक लगा देते हैं उसके बाद आदमी को समझ में आता है कि मैं इसका क्या करूँ वाटर अराउंड करने जिससे दूँ उसके बजाय अपना वो जैसे नॉर्मल होता है वीज़ा लगाने जो आप कहाँ हाथ करते होते हैं आजकल समथिंग लाइक दैट इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम सिंपल सिस्टम। वो इकट्ठा करना पड़ेगा सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरे जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट सब के लिए तो कब में भेजा हुआ है एयर इनिशिएटिव जो कौन को भेज दिया था हमने दो ढाई महीने पहले सर एक्चुअली हर एक करके पीछे ना हम एप्लीकेशन प्रिंट करते हैं अगर ऐसा सिस्टम है कि बायोमेट्रिक ले लेंगे तो फिर एक करके पीछे प्रिंट आ जाता सब हाँ तो पीछे प्रिंट आ गया वो तो डुएबल है लाइक्स बंद है जब ऐसे अभी दिन की हुई है आपने शाम इनको इनको ठीक करा लें ऑफिस शुड बी वेल लिट पानी हाल जैसे गवर्नमेंट ऑफिस जैसे मिलना चाहिए लाइट पूरी होनी चाहिए ए सी निकल से यहाँ के भी काम नहीं कर रहे ए सी है यहाँ पे ए सी है दो ए सी है बाकी प्लांट काम नहीं कर रहा है जो सेंट्रल प्लांट है ए सी दो सेंट्रल प्लांट का सब नहीं वो जो भागीदारी वाला हॉल है और यहाँ ऐसे सेंट्रल प्लांट की जरूरत क्या है यहाँ पे कितना टाइम हो गया इंस्टॉल तो आप वो जो स्टैंडिंग यूनिट आता है हाँ दो स्टैंडिंग यूनिट बहुत है यहाँ लगवा दूंगा सर हाँ और क्या नहीं तो और उस हॉल में भी सर अगर वो प्लांट अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसी तरह का कुछ लगा देंगे वो तो गर्मी आने से पहले हाँ कॉल लेना चाहिए था ना तो पब्लिक क्यों सफ़र करें वही मैं कह रहा हूँ स्टैंडिंग यूनिट जो आते हैं बढ़िया हमारे ऑफिस में कितना बढ़िया दो लगे हुए हैं पीछे एक स्प्लिट है एक विंडो है बट आई थिंक ये पुराने हो गए नहीं वो काम नहीं कर रहे इतनी कैपेसिटी दो दो टन ये तो पहले भी ये भी नहीं था वो दरवाजा खुलता रहता है ना खुलता रहता है तो बाहर से आते हैं टोकन कहाँ से मिलता है ये वाला ये भी ठीक करवाते हैं सर सुन नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं मास्क का डालो कोई बात नहीं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं यहाँ से वो नंबर डालते हैं और उसमें टोकन आता है टोकन कैसा है दिखाना नहीं वो उनके पेपर पे लिख देते हैं अच्छा बस नंबर से मैनुअल लिख देते हैं अच्छा इसको भी ठीक करा लो व्हाई शुड समबडी स्टैंड आउट सर गर्मी में धूप में टोकन वोकन का अंदर ही कहीं पे अंदर ही होना बैंक में होता है हाँ जैसे बैंक में होता है ये सिस्टम को बंद करेंगे ये पुराना हो गया सिस्टम है ना जो भी आ रहा है अपना ये अपना बढ़िया मेज कुर्सी भी बैठे वो सामने से अपना इन्होंने तो एंट्री तो करनी है इन्होंने सिंपली के एंट्री करनी है देखना होता है वो आगे बताते हैं टाइमिंग ये सिस्टम को तुरंत बंद कर आप चेयरमैन साहब को जानते हो ना जानता हूँ सर आपको कौन नहीं जानता ट्रांसपोर्ट में अनिल वंग का नाम है मेरा सेल्स टैक्स में आपकी बात आपसे बात तो हुई थी मेरी अभी थोड़े दिन पहले फोन पे जो भी समय समय पे है ना सपोर्ट करते रहिए बिल्कुल बिल्कुल सर सर याद नहीं कर लेंगे ये तो जल्दी हो
हेलो थोड़ा भाग लो ना बात करते हैं।